Dear students, this is Praveer Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the meaning and concept of mismanagement. जैसा कि previous lecture में हमने operation के concept को discuss किया था. Operation के साथ जो continuing concept है वो है mismanagement. Prevention of operation and mismanagement. ये हम आगे स्टडी करेंगे आगे टॉपिक में. तो यहाँ पर हमें प्रिवेंशन जब हम बात करते हैं ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन के साथ साथ सेकंड टर्म मिसमैनेजमेंट ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है. लेकिन दोनों में डिफरेंस रहता है. मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जब कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के कंट्रोल में कोई भी मटेरियल चेंज होता है और उस मटेरियल चेंज की वजह से कंपनी के अफेयर्स इस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं जो उसके खुद के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल होते हैं, इसके मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल होते हैं, या किसी भी क्लास ऑफ मेंबर्स के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजुडिशियल होते हैं, तो हम इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को मिसमैनेजमेंट का नाम देते हैं. इट मीन्स दैट मिसमैनेजमेंट एग्जिस्ट इन अ कंपनी when by reason of a material change in the management or control of the company, the affairs of the company are likely to be conducted in a manner prejudicial to its own interest or to its members or to any classes of members. अब ये changes क्यों हो सकते हैं? These changes may take place by an alteration in the board of directors or managers or in the ownership of company's shares. यानी कि जब आप board of directors में कोई change करते हो, board of directors का structure change होता है, directors change होते हैं board of directors के अंदर, या manager को change कर दिया जाता है, या company के shares की ownership में कोई भी या किसी भी तरीके का change होता है, तब ये स्थिति या ये situation arise होती है. मिसमैनेजमेंट की सिचुएशन अराइज होती है. इन सच अ केस द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, सच अ चेंज मे टेक प्लेस बाय अल्टरेशन इन इट्स मेंबरशिप और इन अदर मैनर व्हाटसोएवर. लेकिन अगर एक कंपनी की बात करें जिसके पास शेयर कैपिटल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस केस में मिसमैनेजमेंट तब अराइज होता है जब इसकी मेंबरशिप में अल्टरेशन होता है, यानी कि इसके मेंबर्स चेंज होते हैं, या कोई भी और तरीका हो सकता है जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. लेकिन मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंपनी के अफेयर्स को इस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है जो इसके खुद के इंटरेस्ट के लिए भी प्रेजुडिशियल है, किसी पर्टिकुलर मेंबर या मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल है, या किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल हैं, तो हम इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मिसमैनेजमेंट का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर हो गई? However, any change shall not be considered a change that has been brought about the change in the interest of any creditors. यानी कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर क्रेडिटर के इंटरेस्ट में कोई चेंज लेकर आते हैं, तो इसको हम चेंज नहीं मानेंगे. जैसे डिवेंचर होल्डर्स हैं या किसी भी क्लास के शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हम इसको मिसमैनेजमेंट का नाम नहीं देंगे, उसे हम चेंज का नाम नहीं देंगे. ठीक है? और इसके साथ साथ ये भी नोट करना जरूरी है कि मिसमैनेजमेंट केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब कंपनी के अफेयर्स को इस तरीके से कंडक्ट किया जाए कि ये कंपनी के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल होना चाहिए, इसके मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल होना चाहिए, या इसके किसी भी क्लासेस ऑफ मेंबर्स के लिए प्रेजुडिशियल होना चाहिए. अगर ऐसी कोई भी कंडीशन अराइज नहीं होती है, तो हम उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मिसमैनेजमेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा हमें. मिसमैनेजमेंट का मतलब जो मैंने अभी डिस्कस किया है उससे है, बाकी किसी और व्यवस्था से मिसमैनेजमेंट को हम फॉलो या कंपेयर नहीं कर सकते. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द सम ऑफ द केसेस ऑफ मिसमैनेजमेंट. यानी कि हम यहाँ वो उन केसेस को एक एग्जाम्पल के बेसिस पर, एक इलस्ट्रेशन के बेसिस पर स्टडी करेंगे जहाँ मिसमैनेजमेंट की सिचुएशन अराइज हो जाती है. पहला है इसके अंदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स लाइकिंग. जब शेयर्स को अलॉट किया जाता है और उस केस में जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी लाइकिंग के ऑब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं,
और उन्हें शेयर्स का एक ह्यूज अलॉटमेंट फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ही, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही शेयर्स को ह्यूज वे में प्रिफर्ड ऑब्जेक्ट्स को अलॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी ह्यूज क्वांटिटी में, वो भी किसी और कंसीडरेशन के बेसिस पर, बिना कैश के पे किए हुए या बिना प्राइस के पे किए हुए। क्या करते हैं वो, प्रिफर्ड ऑब्जेक्ट्स को शेयर्स का अलॉटमेंट ह्यूज क्वांटिटी में फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, दिस इज नोन एज द केस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, द सेकेंड केस इज मिसयूज एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि जब कंपनी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के फंड्स को मिसयूज करते हैं या मिस अप्रोप्रिएट वे में उसको फॉलो करते हैं, तो ये भी मैनेजमेंट के, ये भी एक मिसमैनेजमेंट के अफेयर में इंक्लूड किया जाने वाला केस है। यानी कि कंपनी के फंड को मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जब मिसयूज किया जा रहा है या उसका मिस एप्लीकेशन हो रहा है, तब ये मिसमैनेजमेंट के केस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ द नेक्स्ट केस इज डाइवर्जन ऑफ फंड्स ऑफ अ लॉस मेकिंग कंपनी। जब क्या होता है, कंपनी लगातार लॉस को इनकर करती रहती है, और उस केस में जब कंपनी लगातार लॉस को इनकर कर रही है और कंपनी के डायरेक्टर्स इस लॉस इनकरिंग यूनिट को या यूनिट के फंड को इसकी सिस्टर्न कंसर्न को डाइवर्ट करना शुरू कर दे, तो ये भी मिसमैनेजमेंट के अफेयर के केस में इंक्लूड किया जाएगा। भले ही लॉस को इनकर कर रही है, लेकिन डायरेक्टर्स को इसे या इसके फंड को, सिस्टर कंसर्न को डाइवर्ट करने का राइट नहीं होता है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये मिसमैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट या अपॉइंटेड डायरेक्टर्स नॉट अलाउड टू ज्वाइन। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया गया और उन प्रॉपरली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स को ज्वाइन नहीं कराया जाता है और उनको डायरेक्टर की पोस्ट पर फंक्शनिंग फॉलो नहीं करने दी जाती है, तो भी ये एक मिसमैनेजमेंट के एक्ट में कंसीडर किया जाएगा। जब आप प्रॉपरली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स को ज्वाइन नहीं करने देते हो और उन्हें डायरेक्टर के तौर पर फंक्शन नहीं करने देते हो, तो ये भी एक मिसमैनेजमेंट के एक्ट में इंक्लूड किया जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दोज एक्ट्स विच आर नॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट। यहाँ उन एक्ट्स को स्टडी करेंगे जिनको मिसमैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सबसे पहला है इनकरिंग लॉसेस। वेन एवर अ कंपनी मेयरली इनकर्स लॉसेस, जब कंपनी को केवल और केवल लॉस होता है, तो हम उसको एक मिसमैनेज्ड कंपनी नहीं कह सकते और इस व्यवस्था को हम मिसमैनेजमेंट का नाम नहीं दे सकते, केवल लॉस इनकर करने के बेसिस पर। दूसरा है बिल्डिंग रिजर्व्स एंड नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स। जब कंपनी के डायरेक्टर्स रिजर्व्स लगातार बढ़ाते चले जाते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और उस कंपनी के प्रॉफिट को लगातार वो रिजर्व्स में इंक्लूड कर रहे हैं और कंपनी के रिजर्व्स को लगातार बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी टाइप के डिक्लेयर को डिविडेंड, किसी भी डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तो इसको हम मिसमैनेजमेंट का केस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब कंपनी के रिजर्व्स को लगातार बिल्ड किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो कंपनी के शेयर्स में, इसमें डिवेल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसा एक्ट होता जिसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर्स के वैल्यू में डिवेल्यूशन का केस बन रहा होता, यानी कि शेयर्स डिवेल्यूएट हो रहे होते, तब ये मिसमैनेजमेंट का केस माना जाता, अदरवाइज इसे हम मिसमैनेजमेंट का केस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द एक्ट्स नॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। यानी कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर प्रिवेंशन और मिसमैनेजमेंट की कंडीशन बनती है, तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रिवेंशंस फॉलो किए जा सकते हैं, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को डिसाइड किया गया है। क्या प्रोविजंस है ये, इसमें हम एक प्रोविजन डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। इसके लिए केवल और केवल एक ही प्रिवेंशन है कि जो पर्टिकुलर पर्सन ये सोचता है या ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उन्हें लगता है कि कंपनी के अंदर प्रिवेंशन और ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की कंडीशन बन रही है, तो इसके रिगार्डिंग ये क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वहाँ ये कंप्लेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग।
तो सबसे पहला रहता है ग्राउंड फॉर एप्लीकेशन बाय अ मेंबर। सबसे पहले एक मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन फॉलो की जाती है। तो कंपनी का कोई भी मेंबर ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के बेसिस पर कोई भी मेंबर कंपनी ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। क्या केसेस है इसमें? ए और बी दो केसेस में स्टडी करूंगा। पहले हम ए केस की बात करते हैं। इफ द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रेजुडिशियल और ऑप्रेसिव टू हिम और टू एनी अदर मेंबर और मेंबर्स ऑफ द कंपनी और टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी के अफेयर्स को इस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल है या किसी भी पर्टिकुलर अदर मेंबर के लिए ऑप्रेसिव है या प्रेजुडिशियल है, मेंबर्स के लिए प्रेजुडिशियल है या ऑप्रेसिव है, और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए भी ये प्रेजुडिशियल है या ऑप्रेसिव है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में से अगर कोई भी पर्टिकुलर केस बनता है तो उस पर्टिकुलर ग्राउंड को फॉलो करते हुए कंपनी का जो मेंबर है वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन कंपनी के इस अफेयर को फॉलो करते हुए या मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन की कंडीशन को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भी मटेरियल चेंज फॉलो किया जाता है या कंपनी के कंट्रोल में कोई भी मटेरियल चेंज फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से जो कंपनी के अफेयर्स हैं उनको इस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है कि ये कंपनी के खुद के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल है या किसी भी पर्टिकुलर मेंबर या मेंबर्स के लिए प्रेजुडिशियल है या फिर किसी भी क्लास ऑफ मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल हैं, तो इसको ग्राउंड बनाते हुए जो मेंबर हैं या मेंबर्स हैं वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो जो पहला ए केस था वो तो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन के रिलेशन में था, और ये जो बी पार्ट मैंने डिस्कस किया आपसे इट इज इन रिलेशन टू द प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन, ग्राउंड फॉर एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अगर उसे लगता है कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं उसको इस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है या इस मैनर में कंडक्ट किया जा रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऑपरेसिव हैं, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकती है कंपनी के इस पर्टिकुलर कंडक्ट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकती है इस ग्राउंड को बेस बनाते हुए। ठीक है, सो दीज ऑल आर द प्रिवेंशंस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।